सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आरपी दिवाच, तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोलहवीं विधानसभा से महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से 2% जरूर छपने वाले हैं और ये जो भी डाटा लिया गया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। सूजस से लिया गया और राजस्थान सरकार की वेबसाइट से लिया गया डाटा है। अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो बहुत से प्रकार का डाटा गलत दिया गया है, तो उन पर विश्वास ना कीजिएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक बने हैं हरिमोहन शर्मा, मनीष यादव, रविंदर सिंह भाटी, हंसराज पटेल। देखिए विश्वसनीयता का मैं अभी आपको बता देता हूं। अगर आप आज के अखबार में देखोगे तो सबसे युवा विधायक दिया गया है अंशुमान सिंह भाटी, जो बिल्कुल गलत है। आप देखिए, हमने ये डाटा लिया है DIPR राजस्थान गवर्नमेंट की साइट से। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, राजस्थान के सबसे युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी, उम्र 25 वर्ष। यहां देख सकते हैं आप, इसका उत्तर होगा रविंदर सिंह भाटी, ऑप्शन नंबर सी। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक बने हैं हरिमोहन शर्मा, दीपचंद खैरिया, रविंदर सिंह भाटी, हंसराज पटेल। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो उसमें सिर्फ हरिमोहन शर्मा का नाम दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। दोनों विधायकों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये राजस्थान सरकार की सूजस से लिया गया डाटा है। हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खैरिया दोनों ही 83 वर्ष के हैं। तो हरिमोहन शर्मा और दीपचंद खैरिया ए व बी दोनों इसके उत्तर होंगे। आप दोनों की पिक्चर यहां देख सकते हैं। हरिमोहन शर्मा बूंदी से विधायक बने हैं, वहीं दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास से विधायक बने हैं और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं दिया कुमारी, मनीष यादव, रविंदर सिंह भाटी, हंसराज पटेल। ये देखिए, दिया कुमारी विद्याधर नगर से भाजपा की राजस्थान में सबसे बड़ी जीत 71,365 वोटों से। यहाँ आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा का प्रयोग कितने मतदाताओं द्वारा किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन। 3,82,066, 34,045, 50,000, 4,82,066, ऑप्शन नंबर ए 3,82,066। ये देखिए राजस्थान DIPR की साइट से, प्रदेश में 199 विधानसभा में 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। एक और गजब और लेवल का क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा का मतदान प्रतिशत कितना रहा, 1%, 0.96%, 2.3%, 4%। ये देखिए कुल मतदान का 0.96%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। रट लेना डाटा को, 0.96%। एक और गजब का आंकड़ा आपको देने वाला हूं, ये देखिए प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटा को उदयपुर के जाड़ोल विधानसभा में 6,488 मतदाताओं ने चुना। सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग जाड़ोल विधानसभा, रट लेना कितने मतदाताओं ने दिया नोटा का प्रयोग जाड़ोल में, 6,488 सर्वाधिक है जो। देखिए दोस्तों, सबसे कम नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन मैं बनाना चाहता था लेकिन किसी भी राजस्थान सरकार की साइट पे ये डाटा मुझे नहीं मिला। जब भी मिलेगा मैं आपके लिए लेके जरूर आऊँगा, तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। एक और गजब का क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायक हैं 19, 20, 25, 27।
दोस्तों आपको मैं बता दूं, जब आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें 19 महिला विधायक दी हुई हैं, जो बिल्कुल गलत है, विश्वास मत करना। 20 महिला विधायक बनी है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लेना चाहे न्यूज़पेपर में कितनी दी गई है, 19 दी गई है जबकि 20 है। तो दोस्तों 2018 में कितनी महिला विधायक बनी थी? 27। और ये देखिए, जो उनका जहां महिलाओं को 33% महिला आरक्षण देने की बात की जा रही थी, वो बिल्कुल धराशायी हो गया है। सिर्फ 20 महिला विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंची हैं। एक और गजब का क्वेश्चन, 16वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति से महिला विधायक हैं 1, 6, 2, 12, कुल 20 हैं। उनमें अनुसूचित जाति की पूछा गया है, अनुसूचित जाति की हैं 6, याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको सभी का विश्लेषण करके बता देता हूं, इनमें से 12 हैं सामान्य। छह एससी, 12 और 6, 18, बच गई 2, एसटी की हैं 2। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से महिला विधायक हैं 9, 6, 2, 12। देखिए अभी थी वो कास्ट वाइज थी और अब पूछा गया है पार्टी वाइज, तो भाजपा से बनी है 9 महिला विधायक, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यही मैं आपको क्लियर कर देता हूं गाइस, बिल्कुल एकदम जो डाटा है वो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए। 9 भाजपा से, 9 ही कांग्रेस से। अब 2 बच गई, 2 निर्दलीय। सोलहवीं राजस्थान विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वरिष्ठ का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधायक कौन रहे हैं। उम्र सीमा नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे पूछ, सबसे वरिष्ठ का मतलब है सर्वाधिक बार विधायक, सर्वाधिक बार विधायक। कालीचरण सराफ, हरिमोहन शर्मा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। कालीचरण सराफ ऑप्शन नंबर ए, मालवीय नगर से 8वीं बार विधायक बने, 8वीं बार। तो गाइज हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहे हैं। राजस्थान 16वीं विधानसभा में सबसे कम संपत्ति के विधायक बने हैं, राजकुमार रोत, बाल मुकुंद, बाबा बालकनाथ, चंद्रभान। सबसे कम संपत्ति के राजकुमार रोत, इनकी संपत्ति है 1,20,000। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा अगर ये एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान 16वीं विधानसभा में निर्दलीय महिला विधायक है। देखिए ये क्वेश्चन टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित ही पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा होगा। देखिए निर्दलीय महिला विधायक हैं वो 2 हैं, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है।
दो निर्दलीय महिला विधायक है। अब आपको उनमें से निर्दलीय महिला विधायक को छांटना है। इसका मतलब आपको दोनों निर्दलीय महिला विधायकों के नाम याद होना बहुत जरूरी है। रितु बनावत, इंदिरा मीणा, शिमला देवी, शिखा बराला। रितु बनावत इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एक निर्दलीय विधायक हो गई हैं रितु बनावत जो बयाना से हैं, तो दूसरी है प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी प्रियंका चौधरी हैं बाड़मेर से, बाड़मेर विधानसभा से बनी हैं निर्दलीय। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितने सांसदों ने चुनाव लड़ा? देखिए, एक और गजब का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाले हैं। 7, 8, 5, 3। देखिए, 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा था भाजपा के 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 जीते हैं और 3 हार गए हैं। 3 हार गए। अब एक सांसद और है, जल्दी सोचिएगा वो कौन है। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, सोचिए, अपने रिकॉल कीजिए। टोटल 8 है। जो 8वां है वो है आरएलपी से, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। इस प्रकार कुल 8 सांसदों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें से 5 विजेता रहे हैं, 5 विजेता, और 3 हार गए। देखिए, हारने वाले सांसदों के मैं आपको नाम बता देता हूं। 3 सांसद हैं, क्या पता क्वेश्चन और भी मॉडरेट लेवल का बना दिया जाए। भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, नरेंद्र कीचड़, ये 3ों सांसद चुनाव हार गए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, भागीरथ चौधरी, देवजी पटेल, नरेंद्र कीचड़। पार्टियों को मिले वोट प्रतिशत, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। भाजपा को कितने वोट प्रतिशत मिला है? 41.69%। कांग्रेस को कितना? 39.53%। ये वोट प्रतिशत भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। देखिए, कितनी पार्टियों ने कितनी सीट जीती है वो शायद आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सभी जो है वो सुर्खियों में है और सभी ने शायद लाइव देखा भी होगा। तो बीजेपी के विधायक हैं 115, कांग्रेस 69, निर्दलीय 8, भारत आदिवासी पार्टी BAP 3, बसपा 2, आरएलपी 1 और राष्ट्रीय लोकदल वो भी 1। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होगा ये। तो देखिए, अगर जो और भी जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं,
वो जो ही राजस्थान सरकार की साइट पे उपलब्ध होंगे मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपको अपना जो कीमती समय है उसकी कदर करनी है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि हर मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट में आपके द्वारा जरूर कंजूसी बरती जा रही है। लाइक एंड कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, कल मिलते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके।